Dear students, let's talk about the questions and answers of the lesson, The 100 Essays, Part 1. We did that lesson and its questions and answers we are starting today. First question, where in the classroom does Wanda sit and why? Question ka matlab, classroom ke andar Wanda kahan baithti thi aur kyon? Answer. Wanda used to sit in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Wanda bilkul last wali seat se pichli agle wali seat par room number 13 ke andar baithti thi. She sat there because her feet were normally caked with dry mud and very dirty. Wo wahan par is wajah se baithti thi kyunki uske jo feet the, paav the, unke upar जो मड था कीचड़ वो जम जाता था और जमने के बाद सूख जाता था और बहुत गंदे उसके पाँव हो जाते थे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग लाफ्ड एट बाय देयर बाय अ क्लासमेट शी सैट देयर टू हाइड अ डर्टी फीट. तो इस वजह से अपने पाँवों को छुपाने के लिए कि कोई उसको देखकर हंसे ना, तो वो वहाँ पर बैठती थी. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लिव? What kind of a place do you think it is? Wanda कहाँ पर रहती थी और तुम क्या सोचते हो कि ये किस तरह की जगह थी? Answer. Wanda lived at Boggins Height. Wanda Boggins Height पर रहती थी. It seems that it was a place far away from the school and also where there was a lot of dry mud, thereby indicating that it was not a very rich locality. और Wanda Boggins Heights पर रहती थी और ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी जगह है जो स्कूल से बहुत दूर है और जहाँ पर बहुत कीचड़ है और ये चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये कोई बहुत ही अमीर लोगों की लोकेलिटी कबीला नहीं है. Next question, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? Peggy और Maddie को Wanda की absence के बारे में कि वो school नहीं आ रही कब पता लगा? Answer, Peggy and Maddie noticed Wanda's absence after 3 days. Peggy और Maddie को Wanda की अनुपस्थिति के बारे में 3 दिन बाद पता लगा. I on Wednesday because they wanted to be with her for a lot of fun. They waited for her for a long time, but she did not turn up. उनको इस बात के बारे में उसकी अनुपस्थिति के बारे में तब पता लगा जब वेंजडे को वो उसके पास जाना चाहती थी, उसके साथ बहुत मजाक करना चाहती थी. उसके आने का उन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया परंतु वो नहीं आई. तब उन्हें एहसास हुआ कि वोंडा अनुपस्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मींस? तुम क्या सोचते हो कि उसके साथ मजाक करने का मतलब क्या है? आंसर, वोंडा वाज अ क्वाइट एंड शाई गर्ल हु वाज अशेम्ड ऑफ डस्ट लेडन फीट. वोंडा एक चुप रहने वाली और शर्माने वाली लड़की थी जो अपने ही डर्टी पांवों की वजह से शर्म मानती थी. द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर. लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी. दिस गेव देम ए लॉट ऑफ प्लेजर, देयरफॉर दे वांटेड टू हैव फन विद हर. और लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी और ये बात उनको बहुत खुशी देता था, इसीलिए वो उसके साथ मजाक करना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे वॉज वोंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? किस तरीके से वोंडा दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी? आंसर, वोंडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. वोंडा दूसरे बच्चों से अलग थी. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. उसका कोई दोस्त नहीं था. She came to school alone and went home alone. वो अकेली ही स्कूल आती थी और अकेली ही घर चली जाती थी. She always wore a faded blue dress that did not fit up properly. वो हमेशा ही
फीके पड़ चुके ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो उसको पूरी तरह से फिट भी नहीं आती थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी नॉट टॉक टू एनीवन। दूसरे बच्चों से हटकर वो बाकियों से किसी से बात भी नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा? नो, शी नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। नहीं, हमें नहीं लगता कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी क्योंकि वो हर रोज स्कूल में एक ही फीके पड़े ब्लू कलर की ही ड्रेस पहनती थी। शी हैड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीनता की भावना थी। इन ऑर्डर टू हाइड द कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेस द अदर गर्ल, उस हीनता की भावना को छुपाने के लिए और दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, शी ऑलवेज सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। इस वजह से वो ऐसा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्स वांडा? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट? मैगी को क्यों शर्म आने लगती है जब पैगी वांडा से क्वेश्चंस पूछती है? क्या मैडी भी वांडा की ही तरह है या अलग है? आंसर, मैडी वॉज एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा बिकॉज शी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैगी इस वजह से शर्म मानने लगती है जब पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछ रही होती है क्योंकि मैडी खुद ही गरीब है। शी यूजली वो ओल्ड क्लॉथ्स, वो आमतौर पर पुराने कपड़े पहनती है। विच वो हैंडी डाउन बाय समवन एल्स, जो कि किसी और के द्वारा उसे दे दिए जाते हैं। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा, वो उसे वांडा की कंडीशन पर कोई दुख नहीं आता। शी वॉज वरीड दैट परहैप्स लेटर एवरीवन वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू, वो इस वजह से चिंता करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर दूसरे बच्चे वांडा को छोड़ें तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, खुद का, मैडी का। शी थॉट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम वांडा इन द सेंस दैट शी वुड नेवर क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। वो ऐसा सोचती है कि वो वांडा से थोड़ा डिफरेंट है इस सेंस में कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगी कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो उतनी भी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी। येट शी वॉज अफ्रेड दैट द अदर्स माइट मॉक हर टू, फिर भी वो ऐसा डरती थी कि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट मैगी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा? व्हाट वॉज शी अफ्रेड ऑफ? मैडी पैगी को वांडा को तंग करने से क्यों नहीं रोकती? वो किस बात से डरती है? मैडी कुडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज पैगी वॉज अ बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैड फेथ इन पैगी दैट शी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। मैडी पैगी को वांडा को तंग करने से इस वजह से नहीं रोकती क्योंकि पैगी मैडी की बेस्ट फ्रेंड है और मैडी का ऐसा विश्वास है कि पैगी कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग लाफ्ड एट फॉर हर पोर ड्रेसेस, और वो इस वजह से भी डरती है कि हो सकता है कि मैडी के ऊपर लड़कियां हंसने लग जाएं क्योंकि उसके भी कपड़े उतने अच्छे नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? Maddie क्या सोचती है कि drawing contest कौन जीतेगा और क्यों? Answer, Maddie thought that Peggy would win the drawing contest because Peggy drew better than anyone else. Maddie ऐसा सोचती है कि Peggy ही ये contest जीतेगी क्योंकि Peggy किसी से भी अच्छी drawing करती है। She could copy a picture in a magazine or some film star's face so well that one could tell
हु इट वॉज। वो किसी भी मैगजीन से कोई भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी और किसी भी स्टार के फेस को इतने अच्छे से कॉपी ड्राइंग कर सकती थी कि कोई भी बता सकता था कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और जीतने वाले ने क्यों क्या ड्रॉ किया था। आंसर, वोंडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। द विनर ऑफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट वॉज अप्रिसिएटेड बाई जजेस एंड अप्लॉडेड बाई द फेलो क्लासमेट्स। वोंडा ने वो ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जीता था और विनर को, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर था, उसको जजेस के द्वारा अप्रिशिएट किया गया और उसके क्लासमेट्स के द्वारा तालियां बजाकर उसका स्वागत किया गया। और जो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, कि विनर ने क्या ड्राइंग करी थी, तो इसका आंसर है शी हैड ड्रॉन द पेंटिंग्स ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस। तो इसका आंसर है कि उसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स को ड्रॉ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वोंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। वोंडा दूसरी लड़कियों से अलग कैसे दिखती है और वो दूसरी लड़कियां उसको कैसे ट्रीट करती है। आंसर, वोंडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, शी इज पुअर एंड लॉनली गर्ल। वोंडा दूसरी लड़कियों से अलग दिखती है क्योंकि वो एक गरीब और अकेली रहने वाली लड़की है। द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड टीज्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस। दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं उसकी गरीबी का और उसके कपड़ों पर कमेंट करते हुए उसे तंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वोंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। वोंडा इस ड्रेसेस के गेम के बारे में कैसा फील करती है और वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। आंसर, वोंडा डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स रिगार्डिंग द ड्रेसेस गेम। वोंडा इस ड्रेसेस वाली गेम्स को लेके कोई भी फीलिंग नहीं दिखाती। इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट शी वॉज डीपली हर्ट, और ऐसा महसूस होता है कि वो इस चीज़ से बहुत गहराई से उसके दिल को चोट लगती है। इट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई हर फैमिली लेफ्ट द प्लेस एंड मूव टू द सिटी। यही एक ऐसा रीज़न रहा होगा जिस वजह से उसकी फैमिली उस जगह को छोड़ देती है और सिटी में चली जाती है। शी वॉज ए गर्ल हु वॉज वेरी पुअर एंड केम फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस विच मेड हर फीट डर्टी। वो एक गरीब लड़की थी जो बहुत दूर से आया करती थी जिसकी वजह से उसके पांव गंदे हो जाते थे। शी वॉन्टेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। सो शी फेल्ट वेरी हैप्पी वेन एवर शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड 100 ड्रेसेस विदाउट रियलाइजिंग दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। और यही वो कारण है, वो खुश महसूस करती थी जब कभी भी वो अपने दोस्तों को बताया करती थी कि वो उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और ये बात का एहसास तब वो नहीं करती थी कि दूसरी लड़कियां उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रही हैं और वो ऐसा बताकर दूसरों का अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी और ऐसा सोचती थी कि इस ऐसा कहने से वो भी खुश होएंगी और मैं वो खुद भी खुश होएगी, पर वास्तव में दूसरी लड़कियां उसका केवल मजाक उड़ाती थी। व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी केवल वहां पर खड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी, ऐसा क्यों। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से अलग कैसे थी। वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट टू मैडी, क्या पैगी की दोस्ती मैडी के लिए इम्पॉर्टेंट थी, वाई, क्यों। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस,
कौन सी लाइन से तुम्हें ऐसा पता लगता है? आंसर, मैडी ऑलवेज स्टूड बाय एंड नेवर डिड एनीथिंग एज शी वॉज अफ्रेड दैट इफ शी डिड शी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द चिल्ड्रन. मैडी केवल खाली खड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी. ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो इस बात से डरती थी कि अगला टारगेट बच्चों का वो खुद हो सकती थी. She herself was poor and therefore felt that if she spoke against the others, they would target her next. वो खुद गरीब थी और इसलिए ऐसा सोचती थी कि अगर वो भी कुछ बोलेगी दूसरों के अगेंस्ट तो उसको ही अगली बार टारगेट कर दिया जाएगा. अनलाइक हर, पैगी वॉज ए रिच गर्ल. उससे अलग पैगी एक अमीर लड़की थी. दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न वाई मैडी कुड थिंक फ्रॉम वांडाज पॉइंट ऑफ व्यू बट पैगी कुड नॉट. ये भी एक कारण था कि मैडी वांडा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती थी कि वांडा कितनी ज़्यादा हर्ट हो रही होगी, परंतु पैगी ऐसा नहीं सोच सकती थी. मैडी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. मैगी पैडी की पैगी मैडी की बेस्ट फ्रेंड थी. इट सीम्ड एज इफ शी वॉज इन ओ ऑफ पैगी. ऐसा लगता था जैसे कि मैडी पैगी से डरती है. शी एडमायर्ड हर क्वाइट लॉट एज शी सेड दैट पैगी वॉज अ मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम एंड दैट शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स. वो पैगी की बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी और ऐसा कहती थी कि पैगी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली लड़की है उस क्लासरूम के अंदर और वो किसी से भी ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करती है. शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट हर. उसके पास ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो पैगी के अगेंस्ट कुछ बोले. सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो दैट पैगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट टू मैडी आर एज फॉलो. कुछ लाइन्स टेक्स्ट में से जो ये दिखाती हैं कि पैगी की दोस्ती मैडी के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो ये हैं. फर्स्ट, पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव. पैगी जिसने कि ये सारी गेम को इन्वेंट किया और मैडी जो कि उससे कभी दूर न होने वाली दोस्त थी वो हमेशा अंत में जाया करते थे. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी उस पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली लड़की थी. नेक्स्ट, पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. पैगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो कभी गलत हो, ऐसा मैडी सोचती थी. और मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी को ऐसा विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी. तो ये सारी लाइंस ऐसा दिखाती हैं कि मैडी के लिए पैगी की दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट थी. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग. मिस मैसन वांडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती है? व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम. बच्चे क्या सोचते हैं उन ड्राइंग्स के बारे में? हाउ डू यू नो. तुम्हें ये कैसे पता लगता है? आंसर, मिस मैसन अप्रिशिएटेड द पेंटिंग्स ऑफ वांडा. शी वॉज इम्प्रेस्ड एट द क्रिएटिविटी ऑफ द गर्ल बिकॉज शी हैड पेंटेड 100 पेंटिंग्स विच वर इन वाइड रेंज ऑफ वेराइटी. मिस मैसन ने वांडा की ड्राइंग्स की पेंटिंग्स की तारीफ करी. वो उस लड़की की क्रिएटिविटी से बहुत इम्प्रेस हुई क्योंकि उसने 100 पेंटिंग्स बनाई थी और जिनके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी. द चिल्ड्रन ऑल्सो एडमायर द ड्राइंग. बच्चों ने भी उन ड्राइंग्स की तारीफ करी. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. हर कोई रुका और तारीफ करते हुए विस्लिंग और आपस में बातें करने लगे. आफ्टर मिस मैसन हैड अनाउंस दैट वांडा वॉज द विनर दे बर्स्ट इनटू अप्लॉड्स एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर एंड विसल. जब मिस मैसन ने ये अनाउंस किया कि वांडा विनर है तो हर कोई
तालियां बजाने लगा, शोर मचाने लगा, और इवन लड़कों ने भी विसल्स बजाई, सीटियां बजाई और पांवों को फ्लोर पर पीटा आउट ऑफ अप्लॉज। ऑल्सो जस्ट एज पैगी एंड मैडी एंटर द रूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। और पैगी और मैडी भी जब रूम में आए तो वो एकदम रुक गए और हैरान हो गए। लेटर दे रिकग्नाइज द डिज़ाइंस एज दोज विच वोंडा हैड डिस्क्राइब टू देम। और फिर उसके बाद वो उन डिज़ाइंस के बारे में सोचने लगे जो वोंडा उनको बताया करती थी। एंड इन द एंड पैगी एक्सक्लेम्ड, और एंड में पैगी हैरानी से बोलती है, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। दिस शोज दैट शी ऑल्सो रियलाइज हाउ गुड वोंडाज ड्राइंग्स वर। कि मैं सोचती थी कि मैं ड्रॉ कर सकती थी, पैगी इस हैरानी से बोलती है एंड में। और ये दिखाती है कि उसने भी ये रियलाइज़ किया कि वोंडा की ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। सो स्टूडेंट्स, दीज वर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लर्न दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।